हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आपका भी स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा लैंग मारता है, बहुत ज़्यादा हैंग मारता है? तो आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर 2-3 सेटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन सेटिंग को करने के बाद आपका स्मार्टफोन जो है वो एकदम मक्खन की तरह चलेगा और जैसे जब आप नया स्मार्टफोन लेते हो वैसे आपका काम करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपका स्मार्टफोन जो है किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो हैंग मारता है, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो तो आपका स्मार्टफोन जो है वो बहुत ज़्यादा हैंग मारता है, लैग मारता है और बीच में ही वो अटक जाता है। तो जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ उन टिप्स को एक बार अप्लाई करके देखना अपने स्मार्टफोन के ऊपर, जरूर से जरूर आपका स्मार्टफोन जो है वो हैंग नहीं मारेगा और अच्छा से रन करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको क्या सेटिंग करना है अपने स्मार्टफोन के ऊपर जिससे आपका स्मार्टफोन जो है वो अच्छे से चले। तो पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो या फिर आपका कोई भी स्मार्टफोन पुराना है तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लेना है। इसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर के अपडेट्स में जाकर के देखना है कि आखिरकार आपका स्मार्टफोन कोई अपडेट वगैरह तो नहीं मांग रहा है। अगर आपका स्मार्टफोन अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि नया अपडेटेड वर्जन आता है उससे हमारा इंटरनेट फास्ट होता है, हमारा मोबाइल का जो सेटिंग वगैरह है वो भी स्ट्रांग होता है, जिससे हम किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने में हमारा मदद करता है। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो आपको प्ले स्टोर में जाकर के देखना है कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन जो है अपडेट ना होता हो। आप जरूर से जरूर देखते हो कि कोई भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हर हफ्ते या फिर हर महीने में अपडेट आता ही आता है। ऐसे में हमारा कोई स्मार्टफोन में ये सेटिंग रहता है कि कोई भी एप्लीकेशन आता है तो उसका अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले आपको अपने अपडेट को जाकर के चेक करना है कि कहीं आपके स्मार्टफोन बैकग्राउंड में ऐप्स अपडेट तो नहीं हो रहा है, इससे भी आपका स्मार्टफोन जो है बहुत ज्यादा स्लो चलता है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है अपना मोबाइल का स्टोरेज। कहीं आपके मोबाइल का स्टोरेज अगर फुल हो गया है तो आपका मोबाइल तो हैंग मारेगा ही। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप जब रन करोगे, किसी वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करोगे और आपका स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा फुल रहेगा तो आपका मोबाइल जो है वो हैंग मारेगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्टोरेज को क्लियर करना है, आपके जो फालतू के फोटोज, फालतू के वीडियोस हो गए आपको उसे डिलीट कर देना है या फिर उसे आप एसडी कार्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, जिस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हो उन एप्लीकेशन को आपको डिलीट मार देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि वो ऐप जो है वो आपको बैकग्राउंड में चलते रहता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन जो है वो बहुत ज्यादा हैंग मारता है, लैग मारता है। उसके साथ ही साथ आपको जो इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, जितने भी एप्लीकेशन है उसके कैसेस को आपको क्लियर करते रहना चाहिए 15 दिन, हफ्ते में या फिर एक महीने में उसके कैसेस को क्लियर करते रहना चाहिए। कैसेस को क्लियर करने से हमारा डाटा जो है वो कम होता है, हमारा MB का स्टोरेज जो है वो फुल होता है, वो कम हो जाता है, इससे हमारे कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन उसके कैसेस को हमें हर 15 दिन में क्लियर करते रहना चाहिए। इन 4-5 टिप्स को आपको अप्लाई करना है अपने स्मार्टफोन के ऊपर जिससे आप देखोगे कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैंग नहीं मारेगा, लैग नहीं मारेगा। लास्ट में एक और टिप मैं बता दूं आपको कि अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बावजूद उसे आप इस्तेमाल करते जा रहे हो तो इसका मतलब यही कि आपका स्मार्टफोन जो है वो बदलने के लायक हो गया, चेंज करने के लायक हो गया है। तो आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा चिंता मत करो और अपने स्मार्टफोन को ही चेंज कर दो। जितने भी टिप्स मैंने आपको बताया है सारे टिप्स को एक बार अप्लाई करके देखना अपने स्मार्टफोन के ऊपर, जरूर से जरूर आपका स्मार्टफोन जो है वो हैंग और लैग नहीं मारेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा बेहतर नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।